बढ़िबा वर्षा आसुछि आउ एक घूर्णीबळ 25-26 तारीख बेळकु उत्तर बंगोपसागर रे एहा घनभूत हेबो प्रभाव रे उत्तर ओडिसा रे प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। रविवार बंगोपसागर रे सक्रिय थिबा अवपात चिलिका निकट रे स्थलभाग अतिक्रम करबा परे दुर्बल होई एक वेलमार्क लो प्रेसर रे परिणत होछि। आसंता 12 घंटा मधरे एहा आहुरी दुर्बल होई लघुचाप रे परिणत हेबो। लघुचाप छत्तीसगढ़ में होता बेले उपकूल ओडिशा रे वर्षा कमी तबे सक्रिय मौसुमी निम्न चापरेखा प्रभाव रे आसंता दुई दिन पर्यंत राज्य रे किछि जिला रे प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणिपाग केन्द्र। 24 घंटे में उड़ीसा के ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। उसके अलावा दो जगह पर वेरी हैवी, जिसमें अंगूर के अथामाली में सबसे अधिक 154.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। हाईएस्ट जो मैक्सिमम दिन का तापमान है वो बारगढ़ में 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भुवनेश्वर का मैक्सिमम तापमान जो है 31.7 डिग्री सेल्सियस और कटक का 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। जो कल वाला जो डिप्रेशन सिस्टम था अभी वो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया होता हुआ इंटीरियर उड़ीसा और जानी छत्तीसगढ़ से बना हुआ है। सुबह के ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो सिस्टम है अभी धीरे धीरे मूव करेगा नॉर्थ वेस्टवर्ड की तरफ अक्रॉस छत्तीसगढ़ और वीकेंड हो जाएगा लो प्रेशर एरिया में अगले 12 घंटे में। उसके अलावा एक मानसून ट्रॉफ जो जैसलमेर कोटा गुना मालदा और इस वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के सेंटर से होते हुए ईस्ट साउथ ईस्टवर्ड होते हुए ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में चली जा रही है। फिशरमैन को वार्निंग एडवाइज किया जाता है कि वो समुद्र में अभी भी मछली पकड़ने के लिए ना जाए टिल 23 जुलाई तक। नॉर्थ उड़ीसा में वाइडस्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है और फेयरली वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा साउथ उड़ीसा में अगले 3 दिन तक। उसके अलावा डे वन में जो आपका जो इंटीरियर उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा देवगढ़ संबलपुर बालगढ़ सोनपुर बोध बोलांगीर बड़ा कलांडी नारायणपुर कोरापुट मुल्कानवी इन सब डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। जदि आपणको आम भिडियोटि भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।